नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल कर्मचारी यूनियन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर भड़के पूर्व सैनिक मंत्रियों पर जो करारा मंत्रियों को जवाब दिया है हमारे पूर्व सैनिकों ने, दोस्तों क्या पूरी खबर निकल कर आ रही है हम आपको वीडियो में पूरी विस्तार से शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा, जिससे आपको पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों और ओआरओपी से संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारियां सबसे पहले अपने फोन पर ही प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विजय दिवस के मौके पर राजस्थान के कोटा में शहीद स्मारक पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर पूर्व सैनिकों का गुस्सा फूट पड़ा। शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे कर्नल रघुराज सिंह हाडा ने मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के समक्ष अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सैनिकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। जी हां दोस्तों, वादा खिलाफी हमारे पूर्व सैनिकों के साथ किया जा रहा है। हाडा ने कहा, पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की वजह उन पर जो डंडे बरसा रही है, लेकिन तब तक सैनिकों की सुनवाई कोई नहीं की गई, जिसके चलते उनको हर महीने 5 से 7 हज़ार रुपये का लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि वो अपने जो नुकसान अभी झेल रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कर्नल रघुराज सिंह हाडा ने यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नेता आते हैं और चले जाते हैं, आते जाती सरकारें रहती हैं, लेकिन सैनिक और किसान दोनों परेशान हैं। किसान देश का सड़कों पर है, जवान देश का सड़कों पर है, भारत बंद किया जा रहा है, लेकिन जो सरकार पर बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही है, उनकी कोई सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब फौज का मनोबल ही मजबूत नहीं रहेगा तो दुश्मन पर विजय वो कैसे प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कर्नल ने कही है कि जब देश में जो हमारे देश का सिपाही है, देश का जवान है, उसका मनोबल है वो ही नहीं रहेगा, उसका हक ही नहीं उसे दिया जाएगा, उसमें मजबूती नहीं होगी तो दुश्मन पर वो किस प्रकार से विजय प्राप्त कर पाएगा। पूर्व सैनिकों ने केंद्रीय मंत्री को अपनी मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की मांग की है कि केंद्रीय मंत्री ने वहीं कहा कि पूर्व सैनिकों के जो विजय दिवस की सैनिकों को बधाई देने के लिए वे वहां पहुंचे हैं, इस विषय पर बातचीत करने का उनके पास समय नहीं है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर काफ़ी कुछ किया है, वही झूठ बार बार कि हमने ओआरओपी लागू कर दी है, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है, हमें पता है, आप सभी पूर्व सैनिकों वेटरन्स को पता है कि ये वन रैंक वन पेंशन जो सरकार कह रही है हमने लागू कर दी, ये सही वाली नहीं है, ये विसंगतियों से भरी हुई ओआरओपी है, जिससे वन रैंक वन पेंशन का पूर्णतः अर्थ ही बदल जाता है। तो दोस्तों, सरकार हर बार ऐसे ही पल्ला झाड़ती है, हर बार मंत्रियों के पास समय नहीं है, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, देश के जवान, देश के किसान सड़कों पर हैं, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। क्या आप इस पर सोचते हैं वो हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन जो हमारे वेटरन्स, केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो लगातार अपने हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। वहाँ से जैसे ही कोई अपडेट आती है हम तुरंत आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। इस वीडियो में यही जानकारी थी। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं जैसे ही कोई नई अपडेट निकल कर आती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।